मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसी बुजुर्ग शख्सियत जो है उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन मोहतरम, आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चले जाएं। तहरीक लबई पाकिस्तान को ज्वाइन करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर जो है वो हो चुका है। जी या नाज़रीन मोहतरम, वो कैसे? अभी आपके सामने मैं एक बहुत ही अहम पैगाम और बहुत ही अहम न्यूज़ रखने वाला हूँ। नाज़रीन मोहतरम, PNN न्यूज चैनल पर पीर इनायतुल हक शाह साहब, उन्होंने जनाब लाइव शो के अंदर सारा भांडा जो है वो फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक लबई पाकिस्तान के कारकुनान को जो है वो धमकियाँ दी जाती हैं। जी या नाज़रीन मोहतरम, धमकियाँ क्यों दी जाती है कि आप जनाब क्यों या रसूलल्लाह का नाम लेते हैं, आप क्यों जो है वो इस तरह अपना आवाज बुलंद करते हैं? और नाज़रीन मोहतरम, उन्होंने तो ये भी कहा है कि बात यहां तक महदूद नहीं रही, बल्कि बात यहां तक जो है वो पहुंच गई है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसी बड़ी शख्सियत जो तहरीक लबई पाकिस्तान के हक में बोलती हैं, उनको भी कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। मुफ्ती आदम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भी कत्ल करने की धमकियां जो है वो दी जा रही हैं। ये लाइव शो के अंदर पीर इनायतुल हक शाह साहब ने खुद वाज़ह अल्फाज के अंदर कह दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह ये तहरीक लबई को जितना दबाने की कोशिश करेंगे तहरीक लबई पाकिस्तान उतना ही उरूज जो है वो पकड़ेगी। अभी आपके सामने मैं वो आपके सामने क्लिप रखता हूँ कि जिसके अंदर उन्होंने पीर इनायतुल हक शाह साहब ने उनका भांडा फोड़ा है, आप मुकम्मल जरूर समाप्त करें। तहरीक लबई या रसूलल्लाह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में पुरअमन सियासी जदोजहद पर यकीन रखती है, और देख लीजिए ये तो एक सीट का इलेक्शन है और डेढ़ साल के लिए या मुमकिन है आइंदा आने वाले चंद माह में नए इलेक्शन हो जाएं, तो ये इतने इस पर सीख पा हुए हैं कि मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसी बुजुर्ग शख्सियत जो है उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। तहरीक लबैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं।